I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of right. dating but not committing. I'm not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. Not be attached and not be committed. And I just want to have fun because this is the age. To have sex outside of marriage. My choice. Ranbir, Alia. Ralia. Virat, Anushka. Virushka. Ranveer, Deepika. और मेरे भाई लोग सब बढ़िया। दोस्तों ये पूरा हफ्ता ना सोशल मीडिया पे यही सब देखने में निकल गया कि दीपिका ने कॉफी विद सविता भाभी पे अपने पति रणवीर को नंगा कर दिया। तो आज अपन जानेंगे रिलेशनशिप और डेटिंग वर्ल्ड से जुड़े कुछ ऐसे तीन टर्म्स। अब इन तीनों में से कौन सा टर्म रणवीर और दीपिका की सिचुएशन पे सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं वो आप डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेंचिंग क्या होता है। मान लो आप किसी लड़की के साथ डेट पे गए हो और आखिर में लड़की ने ना ही हाँ बोला ना ही ना बोला, बल्कि उसने बोला मे बी, यानी कि उसने इशारों इशारों में कह दिया कि मैं और तीन चार लोगों को डेट करके देखूंगी, उनके साथ अगर बात नहीं बना फिट नहीं बैठा तो हो सकता है तेरा चांस बन जाए। तो ये होता है बेंचिंग। लड़की ने यहाँ पे बेंचिंग कर दिया इसलिए वो कहलाएगी बेंचर एंड यू आर द वन हु गॉट बेंच्ड। इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम। तो ये तो हो गया बेंचिंग। अब जानते हैं कुशनिंग क्या होता है। तो देखो दोस्तों, मान लो एक लड़का और लड़की कमिटेड रिलेशनशिप में है, ऑफिशियली वो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसके बावजूद लड़की जो है सीक्रेटली किसी और इंसान को डेट कर रही है इस डर में कि अभी वाला जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ अगर किसी रीजन से ब्रेकअप हो गया तो मैं एकदम धड़ाम से जमीन पे ना गिरूं, मुझे कस के दर्द ना हो, गिरूं भी तो गद्दे के ऊपर गिरूं, कुशन्स के ऊपर गिरूं, तीन चार तकिए के ऊपर गिरूं, ताकि मुझे कुछ ज्यादा दर्द भी ना हो और अकेलापन भी ना फील हो। और यहाँ पे लड़की के कुशन्स कौन है, वही तीन चार बंदे जिनको लड़की अपने बॉयफ्रेंड के अलावा डेट कर रही है। तो ये होता है दोस्तों कुशनिंग। इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम। तो अब अपना तीसरा टर्म है दोस्तों सिचुएशनशिप। इसमें क्या होता है, ना तो आप पूरी तरह से सिंगल हो ना ही पूरी तरह से रिलेशनशिप में हो, लगाना कंफ्यूजिंग। तो बस यही कंफ्यूजन ही कहलाता है सिचुएशनशिप। आप यहाँ पे किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, एक साथ घूमना फिरना इंटीमेट होना, बस फर्क इस बात का है कि आप एक दूसरे से कमिट नहीं करते ऑफिशियली, इस रिश्ते को डिफाइन नहीं करते, इस रिश्ते को लेबल नहीं देते, आप ये एस्टेब्लिश नहीं करते कि आज के बाद तू मेरी गर्लफ्रेंड है मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूं और हम रिलेशनशिप में है। कभी ये नहीं बोलते एक दूसरे को कि अब आगे क्या, इसलिए रिलेशनशिप भी काफी सुपरफिशियल लगता है क्योंकि आप ऑफिशियली कमिट नहीं कर रहे हो इसलिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कुछ खास हो नहीं पाता। लड़का भी फ्री रहता है जिसको चाहे मन डेट कर सकता है, लड़की भी फ्री रहती है जिसको चाहे मन डेट कर सकती है, और ये चीज चीटिंग भी नहीं कहलाएगी क्योंकि एक दूसरे से कभी ये लोग ऑफिशियली कमिट तो किए नहीं ना। तो ये होता है दोस्तों सिचुएशनशिप। तो ये थे दोस्तों आज के तीन टर्म्स। बस जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार एक इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो गया जिसमें रणवीर का कंडीशन पथेटिक दिख रहा है और वहीं पे दीपिका जो है एक्स्ट्रा बोलते हुए दिख रही है बोल रहा हूं। रियलिटी क्या है आपको कैसे पता, कैमरा के पीछे क्या जाम था ये आपको कैसे पता, मगर हो क्या रहा है पूरा सोशल मीडिया बढ़ गया है रणवीर को बेचारा दिखाने में, दीपिका को गाली देने में। एक बात बताओ, क्या रणवीर को नहीं पता रहेगा शादी करने से पहले कि दीपिका किस टाइप की इंसान है, उसका किस टाइप का पास्ट रहा है, वो सब जानते हुए भी उसने दीपिका से शादी की ना, तो कुछ सोच समझ के किया होगा, अपने मर्जी से शादी की उसने, तो आप उसको लेके क्यों इतना परेशान हो रहे हो। अगर दीपिका ने बोल दिया उस वक्त भी वो बाकियों को भी देख रही थी, मगर घूम फिर के हम एक दूसरे के पास ही आ जाते थे, तो जरूरी थोड़ी कि दीपिका ही अकेले ये कांड कर रही थी, हो सकता है रणवीर भी किया होगा, हो सकता है रणवीर भी बाकियों को डेट किया होगा उसी वक्त पे, बस फर्क इस बात का है कि इस इंटरव्यू में शादी मुद्दा सामने नहीं आया। यार इन लोग बड़े लोग हैं, इनके लाइफ में जो कुछ भी नॉर्मल है हमारे लिए अजीब है और जो कुछ भी हमारे लिए अजीब है उनके लिए नॉर्मल है। बंदा रणवीर सिंह है, जिस मुकाम पे है ना हजारों दीपिका आ सकती है उसके पास, और वैसे ही दीपिका पे भी अप्लाई होता है, जिस मुकाम पे वो है हजारों रणवीर आ सकते हैं उसके पास। तो आपको ऐसा कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं दीपिका को डिफेंड कर रहा हूँ, आज से करीब 3 साल पहले मैंने कैसा नोवा पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि हर किसी के मुंह पे यही नैरेटिव रहता है कि रणबीर कपूर ने बेचारी दीपिका को डिप्रेशन में डाल के चल दिया। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि यार किसने किसको चीट किया ये तो रणबीर और दीपिका ही जानेंगे, थोड़ी ना उन लोग का लाइफ 360 डिग्री हमारे आंखों के सामने है। थोड़ा बहुत जो कुछ भी हम उनके बारे में जान रहे हैं फिल्मों के थ्रू जान रहे हैं, उनका फिक्शनल पर्सोना देखे हुए हैं हम लोग, उनका वर्चुअल पर्सोना देखे हुए हैं। तो बस अपन यही करेंगे कि हम लोग बस एंटरटेनमेंट के लिए
इन लोग को देखेंगे, बाकी इनकी लाइफ की रियलिटी क्या है, किसने किसको चीट किया, किसने किसको धोखा दिया, ये सब कंक्लूजन निकालने के चक्कर में माथा फंसाने से बेहतर है कंक्लूजन निकालने की कोशिश मत करो। अस्ता ला विस्ता।